और मेवाड़ी में थोड़ा घणो फर्क है। कोई प्रसादी को काम है, जीबा को काम है, अभी में कोई भाषण दे तो अतरा दोरा लगे, जाना कोई अलापी खाता हो कांकरो आ गयो मुंडा में। अतरी प्रसादी को काम बढ़िया और अभी के बीच में ऐसा भाषण अखरा न लगे। लेकिन फिर भी कह करा भगवान को मंदिर है, संता को सानिध्य है, तो थोड़ी भरत धर्म की चर्चा करना। तो धर्म की चर्चा करबा के कहानी इके लिए माने ते बुलायो, तो मैं राजनीति पे एक शब्द भी, क्योंकि राजनीति हमेशा तोड़बा को काम करे, जोड़बा को काम नहीं करे। जी घर के मायने राजनीति वे भी घर की कई दुर्दशा आपा सब जाना, इसलिए राजनीति जो है हमेशा तोड़बा को ही काम करे, जोड़बा को काम करे। तो अब धर्म की चर्चा करे। अपना गुरुदेव भगवान अटे विराजमान है, बत्तावर वंजी वाका चरणा में धोक, और अपने क्षेत्र का सभी मानुभाव मंच पे विराजमान है, वाने सभी ने धोक, मातृशक्ति माता बहना जो कुछ बची हुई है बाकी तो जिम्बा गी वाने धोक, और कुछ प्रबुद्ध श्रोता जो धर्म के प्रति मन में पीड़ा प्रेम है वाने सभी ने धोक, बाकी सभी अपनी अपनी बात की। इस बीच में बाबजी महाराज कान में एक बात की, बहुत बड़ी महत्व की बात। बाबजी को केबा को अर्थ हुआ कि अभी गणी कथा वे रही है, बहुत सारा संत प्रवचन कर रहा, लेकिन पहले वाला संत महात्मा को इतरो ज्यादा कोई कथा नहीं रहती, कोई प्रवचन नहीं रहता, विके बाद में भी सुख शांति। अब इतना ज्यादा वे रहा है कि बाद में भी धर्म बच नहीं रही है, कई कारण है। बाप जी की बात 1000% सही बात, और वह बात अभी है कि आज लगभग 800 साल पहली एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान ले लोग आया है कि या तो इस कुरान ने अपनाओ या तलवार मरबा के लिए तैयार हो जाओ। विका बाद में भी आपका और मारा बाप दादा तलवार ने स्वीकार की भाई लेड़ा, लेकिन धर्म ने छोड़ा। 200 साल अंग्रेजा को राज रियो और आपनाओ ज्यादा ये मगरा का मानवी ज्यादा और कौन इन बात ने स्वीकार कर सकी। आपनाओ ज्यादा ये अंग्रेजा का राज ने कतरो खतरनाक राज हो कौन अपना ज्यादा अनुभव कर सके। आपा राजू सिंह रावत की वंशज आ, जी अंग्रेजा का राज में, जी अंग्रेजा का राज में अपना बाप दादा ने सूली पे लटकायो, इसका खतरनाक राज में जने 56 को अकाल पड़ियो बाजी, वटे 5-5 किलो अनाज में या तो 5 किलो लाज लो या ईसाई बन जो, वी राज में भी अपना बाप दादा डोकरा हिंदू बनिया रिया सनातनी बनिया रिया। लेकिन आज जान बाप जी कह रहा है अतः कथा परिवर्तन हो जाने के बाद में भी धर्म के लिए बहुत सारा प्रवचन वे रहा, वी के बाद में भी आज भी धर्मांतरण वे रहा। कारण कहिए तो कारण बाप जी जो मन समझ में आवे वह है कि सुने सब है लेकिन गुणे कोई नहीं। आपने कतरी जल्दी प्रसादी पानी है अटो कतरा जल्दी फ्री करे और आप जीमा और घर जान बेड़ावा, बस जल्दी छोड़े कि कथा में गया, कोई भजना में गया, सत्संग में गया, वी में भी अरे कई डोगरा वे मजीरा बजाता रहे, वह बाणी कई कह रही है तो वचन कर रहा है, वी पे कोई ध्यान कौन है, तो जीवना पे ध्यान। लेकिन माताओं बहनों और धर्म प्रेमी सज्जनों, अगर आप जीवन ध्यान रखियो तो निश्चित मानो और सनातन धर्म समाप्त भेजा बड़ो है। और सनातन धर्म में सुरक्षित क्यों रखनो है, क्योंकि यदि सनातन धर्म सुरक्षित रे अट बहुत सारा लोग क्यों देश की बात, मैं यूं बड़न बात कहूं, यदि सनातन धर्म नहीं रियो तो देश भी नहीं रहला। जटे भगवान स्वयं अवतार लिदो मुल्तान, जटे प्रहलाद आर्त ध्वनि में प्रार्थना की थी हे बाप जी पधारो, तो भगवान खम्बो चीरन आया नरसिंह अवतार। वो मुल्तान आज भारत में कौन है, वो मंदिर है ही कौन बटे, आज वो पाकिस्तान है।
लोग तो बचोड़ा है, लेकिन वो आज हिंदुस्तान कौन है? जटे ढाकेश्वरी देवी को मंदिर है, बहुत बड़ो शक्ति पीठ है, लेकिन आज वो ढाका वो हिंदुस्तान में माये कौन है? वो बांग्लादेश है। यदि धर्म बचे लो तो यो देश बचे लो, तो ये अपनो घर बचे लो। अगर धर्म न बचो तो कुछ भी शेष न बचे लो। हिंदू धर्म सनातन धर्म यदि बेची तो ही सबको कल्याण है। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ शास्त्रा हूँ, की भी धर्म है। काल अपने कोई भी दूसरो मस्जिद में जान पूछ लीजो कि मौलवी साहब मैं 5 टाइम की नमाज पढूं, मैं खुदा बन सकूं कहीं? मौलवी साहब दुखो देर बाद काटियो काफी रे, खुदा कोई नहीं बन सकता। की चर्च में जाबा को कोई भाई को मौको पड़ जाए तो वटे जार पूछ जो आप के पादरी साहब मैं रोज प्रार्थना प्रेयर करूं तो मने गोड मिल सके कही, परमेश्वर मिल सके कही, तो पादरी भी धक्को देर बाहर खा दी। आपको यार अपने बक्तावर वंजी महाराज के चरणा में बैठ और आखो के बाबजी मैं नारायण बन सकूं कही, तो बाबजी पीठ पे हाथ धर के बिल्कुल तू नर से नारायण बन सकता है। ये केवल और केवल मात्र एक इस पूरी दुनिया में केवल और केवल मात्र एक अपनो सनातन धर्म नरसु नारायण बनाबा की कोई कामना करे तो सनातन धर्म। बाकी किसी धर्म में आदमी ने परमेश्वर नहीं बना सके, वो केवल मात्र अपनो धर्म है। दूसरी खास बात बताऊं, आजकल घनी बातचीत वेरी लुगाया की घनी बात वेरी। संसद में भी बानू मोदी जी एक कानून पास कियो भाई आने भी एमएलए बनाओ तो चिंता मत करो थाको भी नंबर आए, आज ना आए कल आए आगे आए आए। लेकिन सबसे बड़ी बात सनातन धर्म की बात क्यों मैं, तो सनातन धर्म बाबजी एकमात्र धर्म है जो महिलाओं में परमात्मा देखता है। बाकी कोई भी धर्म ना तो मुसलमानों में को खुदा को लुगाई है क्या? नहीं 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 नहीं, लुगाई तो आदमी वो उसमें आत्मा ही नहीं है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि महिलाओं में आत्मा नहीं है, वो तो निर्जीव है। लेकिन केवल एकमात्र सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि महिला परमात्मा का स्वरूप है, महिला परमात्मा का स्वरूप है। सुधी सज्जनों से संतों के चरणों में आकर मैं कहता हूं, ऋग्वेद के अंदर देवी सूक्त एक देवी की आराधना है, उसमें संस्कृत में कहते हैं सारे देवता काशी तुम महादेवी, संस्कृत में कह रहा हूं काशी तुम महादेवी। देवताओं ने आकर पूछा कि हे महादेवी तुम कौन हो, तो माँ कहती है भगवती महाकाली कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, ये वेद वाक्य है। वो भगवती कहती है मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, ये केवल और केवल मात्र सनातन धर्म कहता है। दूसरी और बड़ी बात, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके काम की बात बताता हूं। जो लोग कहते हैं आज के हम संविधान की रक्षा करने आए हैं, हम कानून की रक्षा करने आए हैं, तो कानून की रक्षा भी केवल और केवल मात्र सनातन धर्म। वो आप धर्म जीवित रेला कानून की रक्षा वेली कि कानून की रक्षा संभव ही कौन है? आप किने पूछ लो जान किस दिन में पूछ लो कि पहली यारी अब संविधान है एक कुरान है, तो पहली वो कुरान के हाथ रहे कि संविधान के हाथ में रहे? इको बहुत बड़ा उदाहरण दूं, जना अपनो देश आजाद भी हो तो एक नाम हो जोगेंद्रनाथ मंडल। नारायण जी ध्यान से सुनना आप, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो, समाज में बताने की आवश्यकता है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जो भारत का दो टुकड़ा किद्दा जिन्ना वी के साथ है गयो पाकिस्तान में, और वहां भी बाबा साहब अंबेडकर के जैसे कानून बनाया। वो कानून केवल मात्र 4 साल चला, वो कानून केवल 4 साल चला। वहां के मुल्ला मौलवी इकट्ठे होकर उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ये पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, बाकी का कोई लेना देना। मैं आज सभी जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं पीछे सफेद माथे वाले पढ़े लिखे, आज 2022 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, आज भी उस संविधान पे ये देश चल रहा है। आज भी उस संविधान पे देश चल रहा है। क्यों?
क्योंकि भारत में हिंदू बहुल्य है, हिंदुओं का देश होने के कारण संविधान सनातन धर्म बचेगा, निश्चित मानव निश्चित मानना मानवता भी नहीं बचेगी। से बाजी 5-7 साल पहले सीरिया एक देश है, सीरिया देश में एक हाथ में स्टेन गन बंदूक और दूसरी हाथ में किताब कुरान लेकर नंगा नाच हुआ माँ बहन बेटियों को मंडी में बेचा। ये मैं कोई 500 साल 1000 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, केवल 8 साल पहले सीरिया में ये बच्चियां बैठी हैं, गूगल करके देख सकती हैं। ISIS नाम का एक संगठन, उसने माँ बहन बेटियों को बकरियों की तरह मंडियों में बेचा। सनातन ही मात्र है जो महिला और पुरुष को एक साथ देखते हैं, मानो थोड़ा दन पिल दी बार दो सावना। तो भगवान शंकर की पूजा करा के ना करा, तो भगवान शंकर ने क्या मान्यो है, अर्ध नारीश्वर आदो पार्वती राधो शंकर। केवल सनातन धर्म कहता है महिला और पुरुष एक समान है, बाकी कोई नहीं कहता। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, केवल और केवल सनातन धर्म में मनुष्य मात्र ही प्राणी मात्र की चिंता कोई करता है सनातन धर्म है। कीड़ी में भी भगवान है तो हाथी में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है जो तुझ में भी भगवान है। किसी भी पास के पास चले जाओ, किसी मौलवी पादरी के पास चले जाओ कि खुदा है क्या, नहीं, खुदा तो सातवें आसमान पर बैठा। केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मैं हूं वैसा तू है, वैसा ही भगवान है। केवल मात्र सनातन धर्म कहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई है सनातन धर्म को बचाने की। अब ये बातचीत आ रही है, मैं कठोरता से कह रहा हूं, कुछ लोग नाराज हो गए, सत्ता से सनातन धर्म नहीं बचेगा। हम हमारे घरों में त्योहार कैसे मना रहे हैं, हम हमारे घरों में धोती कुर्ता पहनकर लगता है कि ये तो गवार का वेश है, कैसे सनातन धर्म बचेगा बताओ आप। सत्संग कराना ये समझा जाता है बाबजी के ये तो है पिछड़ों का काम है, गवारों का काम है, सत्संग न करानी। और तो और मैं ब्यावर के पास रहता हूँ, तेजा जी का जागरण हुआ बाबजी, जागरण में मेरे को बुलाया, मैं भी पहुंच गया सतवीर जी के साथ। अब वहां क्या हुआ, जागरण में आए संत, थोड़ी देर हुआ और 5 बाणी होकर संतों नीचे और ऊपर छोरिया चढ़ी बाबजी, छोटी छोटी गगरिया बैठने वाली तेजा जी का चिन्ह लगा और ना छोरा गण, सनातन धर्म बचेगा क्या, कैसे बचेगा। हम सभी यदि अपने जीवन में सनातन धर्म को उतारेंगे तो ही सनातन धर्म बचेगा। अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो अपने जीवन में शुरुआत करनी पड़ी। अपने अमावस के दिन, अमावस दिन अपने पितरों का दिन है, कितने घरों में अमावस की धूप चढ़ती बताओ जरा, भूल गए अमावस को। पूर्णिमा के दिन कितने अपने अपने गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुदेव भगवान का दर्शन करने जाते हैं, बाप जी बैठे हैं बताओ जरा कितने लोग जाते हैं। केवल एक गुरु पूर्णिमा के दिन गए और बाप जी के धोख दिया है, वो भी कोई किसी गुरुमुखी है तो चला जाता है, बाकी कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म सत्ता से नहीं बनने वाला, सनातन धर्म आप और हमारे द्वारा बचने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे बाप दादा तलवार से नहीं डरे, भूख से नहीं डरे, क्यों, क्योंकि वो सत्संगी थे, संतों के चरणों में आकर सनातन धर्म अपने जीवन में उतारते थे, इसलिए उनको तलवार डरा नहीं पाई, भूख डरा नहीं पाई। लेकिन आज बिना तलवार बिना भूख के मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ब्यावर के आसपास आपके समान आपके गोत्र के लोग रहते हैं, काठात मेरात रोज नित्य दिन मुल्ले मौलवी उनको मुसलमान बना दे रहे हैं। कोई दूसरे लोग नहीं है, अपनी बात है। आप और कहोगे कि नहीं ये का मामला बहुत बड़ी कह रहा हूं, बहुत बड़ी बाड़ो, बाकी बहुत सारे रावत बाड़ो पड़े हैं, लेकिन मसूद